हरे कृष्णा। आज के भक्ति गृहस्थ सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम समझ रहे थे गृहस्थ और गृहमिति में क्या अंतर है, उसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इस तरीके से श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे से पांचवें श्लोक तक श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अक्टूबर 23, 1968 को। गृहस्थ इज नॉट कंडेम्ड, गृहस्थ निंदनीय नहीं है, गृहस्थों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इफ वन लिव्स इन अ रेगुलेटरी प्रिंसिपल विद वाइफ एंड चिल्ड्रन, सो दैट इज नॉट गॉट डिस्क्वालिफिकेशन। बट गृहमेदी मीन्स ही हैज नो हायर आइडियाज और हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सिंपली लिविंग विद वाइफ एंड चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग, ही इज कॉल्ड गृहमेदी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड, गृहस्थ एंड गृहमेदी। बताया जा रहा है कि गृहस्थ निंदनीय नहीं है। जो भी प्रवक्ता गृहस्थ आश्रम की निंदा करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों की निंदा करते हैं, उनके लिए सीधा जवाब श्रील प्रभुपाद के द्वारा आ रहा है कि गृहस्थ निंदनीय नहीं है। गृहस्थ एक खुद में आश्रम है, जैसे सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है। अगर निंदा करनी ही है तो गृहमेदी की, जो एनिमल्स की तरह, कैट्स एंड डॉग्स की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं। यहां पे बताया जा रहा है ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है गृहस्थ आश्रम में रहना। गृहमेदी मीन्स ही हैज नो हायर आइडियाज। गृहमेदी असल में वो होता है जो जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और नो हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वो कैसे रहते हैं? सिंपली लिविंग विद वाइफ एंड चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जैसे कुत्ते और बिल्ली रहते हैं, उसी तरीके से गृहमेदी में रहने वाले लोग भी रहते हैं। कुत्ते और बिल्ली किस तरीके से रहते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें करते हैं। वो खाते हैं, सोते हैं, शेल्टर लेते हैं और संभोग करते हैं। तो ये चार क्रियाएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा कार्य कर सकते हो जो जानवर नहीं कर सकते। क्या? अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। दैट इज वट वी कैन अंडरस्टैंड की हाउ इट इज डिफरेंट गृहस्थ एंड गृहमेदी। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्स पे आते हैं। श्रीमद भागवतम पहला पांचवा स्कंद, पांचवा अध्याय और आठवां चैप्टर, लेक्चर 30 अक्टूबर 1976 वृंदावन में दिया गया। द गृहस्थ मीन्स हु फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, दैट इज गृहस्थ। नॉट दैट सिंपली यूनाइटेड मैन एंड वुमेन एंड लिव लाइक एनिमल्स, नो, दैट इज नॉट गृहस्थ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये गृहस्थ नहीं है अगर हम जानवरों की तरह रहे और संभोग करने में लग जाए और सेक्स लाइफ को एंजॉय करें। वट गृहस्थ मीन्स हु फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, जहाँ पे वो सेक्स लाइफ यानी कि संभोग कर जो बताया गया है शास्त्रों में किस तरीके से करना, उन नियमों का पालन करते हुए संतान प्राप्ति करने के लिए संभोग किया जा सकता है, उसको गृहस्थ बताया जाता है। दैट इज कॉल्ड गृहमेदी, मतलब जो ये सारी क्रियाएं नहीं करे और दूसरी तरफ से क्रियाएं करे एंजॉयमेंट के लिए, उसको गृहमेदी बताया गया। ये दो अंतर, दो वर्ड्स हैं, गृहस्थ एंड गृहमेदी आर टू वर्ड्स। गृहमेदी मीन्स ही डजंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशन, ही थिंक दैट हिज फैमिली, दिस हस्बैंड एंड वाइफ, चिल्ड्रन, होम, दैट इज एवरीथिंग। गृहमेदी हमेशा ये समझता है कि ये पति, पत्नी, बच्चे, ये सब घर गृहस्थी, यही सब कुछ है मेरा, इसको गृहमेदी बताया गया है। बट गृहस्था ऐसा नहीं होता। गृहस्था मीन्स ही इज एज गुड एज सन्यासी। समझ रहे हैं आप? देखिए वापस बताता हूँ जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता। बट गृहस्थ मीन्स ही इज एज गुड एज ए सन्यासी। वो उसी तरीके से प्रशंसा के लायक हैं जिस तरीके से कोई सन्यासी है। ऑफकोर्स जो गृहस्थ आश्रम में नियमों का पालन करे, कृष्ण को संबोधित होते हुए सब कार्य करे, तो उसमें और सन्यासी में कोई अंतर नहीं रहता। तो ये वहां पे बताया जा रहा है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद लास्ट में, अगले वर्ष में क्या बताते हैं, जो कि उनका कन्वर्सेशन हुआ है एक बहुत बड़े सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर के साथ, May 21, 1975 मेलबोर्न में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नो यू आर लिविंग एज ए गृहस्थ, लिव एज एन आइडियल गृहस्थ। अब तुम गृहस्थ आश्रम में आ गए हो, अब आइडियल यानी कि डिसिप्लिन गृहस्थ, नियमों का पालन करने वाले गृहस्थ आश्रम की तरह रहो। डोंट चेंज योर माइंड, बी फिक्स्ड अप, अपना दिमाग मत चेंज करो और फिक्स्ड अप रहो। फिक्स्ड अप मतलब केंद्रित रहो। दे आर ऑल गृहस्थ, ये सब गृहस्थ है। कौन? ऑल दीज पंच तत्व, ये सब पंच तत्व। यू सी अद्वैत आचार्य प्रभु वॉज अ गृहस्थ, ही डिडंट टेक इवन संन्यास। बोलते कि अद्वैत आचार्य ने गृहस्थ आश्रम पालन किया और उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया। चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया, नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया। देवर ऑल गृहस्थ, ये सब गृहस्थ थे और आइडियल गृहस्थ थे, नियमों का पालन करने वाले गृहस्थ थे। तो अब गृहस्थ आश्रम में आयो, सो यू बिकम एन आइडियल गृहस्थ, और तुम आइडियल गृहस्थ बनो। दैट इज ऑल्सो वॉन्टेड, गृहस्थ इज ऑल्सो कॉल्ड आश्रम, गृहस्थ आश्रम। बताया जा रहा है कि गृहस्थ भी एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। एज संन्यास इज कॉल्ड आश्रम, सिमिलरली गृहस्थ इज ऑल्सो कॉल्ड आश्रम। जिस तरीके से संन्यास एक आश्रम है, उसी तरीके से गृहस्थ भी एक आश्रम है।
वेयर द कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस इज गोइंग ऑन दैट इज आश्रम, जहां पे भी कृष्ण भावना अमृत की प्रगति की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है वो आश्रम कहलाया जाता है। तो इस तरीके से ये समझ गए हम इन दो शब्दों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है गृहस्थ और गृहमेदी में। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे वाले सेशन के में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नए एलिमेंट्स के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करें, ताकि सबको जो स्पेशली गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, जो गृहस्थ आश्रम में आने वाले हैं, उन सब तक ये संदेश पहुंचे श्री प्रभुपाद का, श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का और अन्य ग्रंथों का, कि गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है और गृहस्थ आश्रम में नियमों के साथ कैसे रहा जा सकता है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।